गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास, सुप्रभातम टेंथ क्लास। हम अपना षष्ठ पाठ सुभाषितानी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 3 श्लोकों को कल पढ़ा था। अब हमारा चौथा श्लोक था, इसमें चौथा श्लोक है। 3 श्लोकों के अर्थ को हमने जाना कल, 3 श्लोकों के बारे में पढ़ा हमने। अब हम आज चौथा श्लोक पढ़ते हैं। चौथा श्लोक है, उधीरितो अर्थ पशुना अपि ग्राहते हयस्य नागस्य बहन्ति वोदिताः अनुक्त अप्युह अनुक्त अपि उहति पंडितो जनः परे इंगित ज्ञान फलाहि बुद्धयः। ठीक है, तो अगला श्लोक है हमारा, उधीरितो अर्थ पशुना अपि ग्रहाते। ठीक है, उधीरितो अर्थ अर्थात कहा गया है, उधर अर्थात कहा गया है, उधर का अर्थ हुआ है कहा गया है। ठीक है, तो कहा क्या गया है, पशुओं के द्वारा भी कहा हुआ। ठीक है, यहाँ से अगर हम अन्वय लेते हैं तो पहला हमारा शब्द निकलता है जहाँ से हमारा अर्थ स्टार्ट होता है। ठीक है, तोड़ तोड़ के निकालते हैं अर्थ को। पशुना अपि अर्थात पशुओं के द्वारा भी, ग्रहाते कहा हुआ अर्थ, उद्धृत अर्थात कहा। ठीक है, कहा गया अर्थ अर्थात अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, ग्रहाते अर्थात ग्रहण कर लिया जाते जाता है। हयास्य नागस्य वहन्ति बोधिता हयास्य का अर्थ हुआ अश्व। ठीक है, अश्व अर्थात घोड़ा। नागस्य अर्थात नागस्य का अर्थ हुआ हाथी, नागह का अर्थ होता है हाथी। ठीक है, तो बताया गया है श्लोक में कि पशुओं के द्वारा भी कहा हुआ अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है। जो पशुएं कहते हैं उस अर्थ को भी क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। हाथी और घोड़े वहन्ति बोधिता, हाथी और घोड़े बताए हुए निर्धारित भार को क्या करते हैं, ढोते हैं। बोधिता अर्थात बताए हुए भार को क्या करते हैं, ढोते हैं। अनुक्त अपि उहति पंडितो जना। ठीक है, विद्वान व्यक्ति, पंडितो अर्थात विद्वान व्यक्ति, बिना कहे, ठीक है, बिना कहे भी अनुमान लगा देते हैं। अनुक्त अर्थात अनुमान लगा देते हैं। परे इंगित ज्ञान फला ही बुद्धया, विद्वान बुद्धिमान तो दूसरों के संकेतों से, इंगित अर्थात संकेत। ठीक है, संकेत जानकर, ठीक है, संकेतों से ही ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, दूसरों के संकेत को जान करके और उनके संकेतों से ही वो क्या कर देते हैं, ज्ञान प्राप्त कर देते हैं। अब दोबारा इसका अर्थ को समझोगे, उधीरी तो अर्थ पशुना अपि ग्रहाते। ठीक है, हयश्च नागश्च वहन्ति बोधिता, पशुओं के द्वारा भी कहा हुआ अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है। पशुना अपि अर्थात पशुओं के द्वारा भी, ठीक है, कहा हुआ अर्थ क्या कर लिया जाता है, कहा हुआ उदाहरित अर्थात कहा हुआ अर्थ। ठीक है, अर्थ अर्थात अर्थ भी क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता, ग्रहाते अर्थात ग्रहण कर लिया जाता है। हयश्च नागश्च वहन्ति बोधिता, हाथी और घोड़े बताए हुए निर्धारित भार को क्या करते हैं, ढोते हैं। वहन्ति अर्थात ढोना, बोधिता अर्थात बताए हुए। ठीक है, हयश्च और नागश्च का अर्थ हुआ हया अर्थात हाथी और नागाह अर्थात घोड़े। ठीक हो गया, तो वो क्या करते हैं, बताए हुए भार को क्या कर लेते हैं, ढो लेते हैं। अनुपयुक्त अपि उहति। ठीक है, अनुपयुक्त अनुक्त लिखा गया है, तो अनुक्त अपि उहति पंडितो जनः। ठीक है, कहा है विद्वान व्यक्ति बिना कहे, पंडितो जना, जना अर्थात व्यक्ति, पंडितो अर्थात विद्वान व्यक्ति, अनुपयुक्त अपि उहति अर्थात कहे भी अनुमान लगा देते हैं, विद्वान व्यक्ति बिना कहे भी। ठीक है, अनुपयुक्त अर्थात बिना कहे भी क्या कर लेते हैं, अनुमान लगा देते हैं। परे इंगित ज्ञान फला ही बुद्धया,
बुद्धिमान तो दूसरों के संकेतों, बुद्धया अर्थात बुद्धिमान तो दूसरों के संकेतों से ही, ठीक है, परे इंगित अर्थात संकेत, जन फलार्थात ज्ञान, ठीक है, संकेतों से ही ज्ञान क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, कौन, बुद्धिमान व्यक्ति, ठीक है, आया समझ में। अगला श्लोक है, क्रोधो हि शत्रुः प्रथमो नराणां देहस्थितो देह विनाशाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वही शौएव वहिदा वहिर्दहते शरीरम्, ठीक है। अगला श्लोक है, क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नाराणाम, ठीक है, क्रोध ही कहा गया है, क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नाराणाम, मनुष्यों के शरीर नारायण अर्थात मनुष्यों के शरीर नाश के लिए, जो मनुष्य का जो शरीर है उसके नाश के लिए प्रथम शत्रु, प्रथमो शत्रु शरीर में स्थित क्या है, क्रोध है, ठीक है, प्रथम शरीर में जो स्थित है वो क्या है, क्रोध है, क्या शत्रु, हमारे जो मनुष्य के शरीर में जो प्रथम शत्रु है वो क्या है, शरीर नाश करने के लिए वो है क्रोध अर्थात गुस्सा, ठीक है, तो हमारा जो प्रथम शत्रु है वो क्या है, गुस्सा है, ठीक है, शरीर में क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नाराणाम, ठीक है, जो मनुष्य के शरीर नाश के लिए प्रथम शत्रु क्या है, क्रोध है, देह स्थितो देह विनाशाय, जिस प्रकार यथा स्थितः काष्ठगतो ही वही सौ एव वही हते शरीरम। अब देखो यहाँ से अर्थ निकलेगा पहले, ठीक है, यथास्थित काष्ठगतो ही वही, जिस प्रकार, यथास्थित अर्थात जिस प्रकार लकड़ी में लगी आग लकड़ी को क्या कर देती है, जला देती है, काष्ठ अर्थात लकड़ी, गतो ही वही अर्थात यथास्थित अर्थात जिस प्रकार, ठीक है, जिस प्रकार लकड़ी में लगी आग लकड़ी को क्या कर लेती है, जला लेती है, देह स्थित और देव विनाशाय, अब यहाँ से लेंगे, उसी प्रकार शरीर में स्थित क्रोध, ठीक है, शरीरम अर्थात उसी प्रकार शरीर में स्थित क्रोध शरीर को क्या कर देता है, जला देता है, ठीक है, इसका अर्थ हुआ कि मनुष्यों के शरीर नाश के लिए प्रथम शत्रु तो क्या है, शरीर में स्थित क्रोध है, ठीक है, जिस प्रकार लकड़ी में लगी आग लकड़ी को क्या कर लेती है, जला लेती है, उसी प्रकार सौ एव वहदति शरीरम, ठीक है, उसी प्रकार शरीर में स्थित क्रोध शरीर को क्या कर लेता है, जला लेता है, ठीक है, देह स्थित अर्थात शरीर में स्थित देह विनाशाय अर्थात वह हमारा शरीर को क्या कर देता है, विनाश कर देता है, ठीक है। अगला श्लोक है, मृगा मृगै संगत मृगा मृगै संग अनुव्रजति व्रजन्ति गावाश्च गोभी तुरंगा तुरंगै मूर्खाश्च मूर्खै सुधिया सुधीभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम्, ठीक है। अगला श्लोक है, मृगा मृगै संग अनुव्रजन्ति, ठीक है, हे हिरण, मृगा का अर्थ क्या हुआ, हिरण, ठीक है, मृगा का अर्थ, मृग का अर्थ होता है हिरण, ठीक है, हिरण हिरणों का साथ ढूंढते हैं, मृगा मृगय से संगम अनुवर्जति अर्थात उसके पीछे, अनुवर्जन का अर्थ होता है अनुसरण करना, ठीक है, उसी का अनुसरण करना, उसी के साथ चलना, ठीक है, तो मृगा मृगय संग अनुवर्जंती, ठीक है, एक दूसरे मृगा हिरण हिरणों का ही क्या करते हैं, साथ ढूंढते हैं, गावश्च गोभी तुरंगा तुरंगई, ठीक है, गाय गायकों का ही का गाय गायकों का अर्थात गाय का, ठीक है, घोड़े घोड़ों का क्या करते हैं, तुरंगे अर्थात घोड़ा, ठीक है, तुरंगे का अर्थ होता है घोड़ा, ठीक है, घोड़े घोड़ों का है साथ क्या करते हैं, ढूंढते हैं, इसमें कहा गया है कि हिरण हिरणों का साथ ढूंढते हैं, गावश्च गोभी तुरंगा तुरंगई, ठीक है, गाय गाय का ही साथ ढूंढते हैं और घोड़े घोड़ों का क्या करते हैं, साथ ढूंढते हैं, मूर्खश्च मूर्खई सुधिया सुधीभिः, मूर्ख मूर्खों
व बुद्धिमान, सुधिया का अर्थ होता है बुद्धिमान, ठीक है। बुद्धिमान बुद्धिमानों का क्या करते हैं, साथ घूमते हैं, सुधी भी साथ ही घूमते हैं। समानशील व्यसनेशु सख्यम, एक समान आचरण और स्वभाव वालों में ही मित्रता होती है। समानशीलम व्यसनेशु स्वभाव अर्थात आचरण और एक समान आचरण और स्वभाव वालों में ही क्या होती है, सख्यम अर्थात मित्रता होती है। तो दोबारा समझेंगे एक बार इसका अर्थ। मृगा मृगई संग अनुवर्जंती, ठीक है, हिरण हिरणों का ही क्या करते हैं, साथ ढूंढते हैं। गावश्च गा गोभी तुरंगा तुरंगई, ठीक है, गाय 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 का ही और घोड़े घोड़े का ही क्या करते हैं, साथ ढूंढते हैं। मूर्खश्च मूर्खई सुधिया सुधी भी, और मूर्ख मूर्खों का, बुद्धिमान सुधी भी अर्थात सुधिया और सुधी भी अर्थात बुद्धिमान और बुद्धिमानों, ठीक है, भी बहुवचन है, बुद्धिमानों के साथ घूमते हैं। समानशील व्यसनेशु सख्यम, एक समान आचरण, समानशील अर्थात आचरण और स्वभाव वालों में ही क्या होती है, सख्यम अर्थता मित्रता होती है। तो आज हम तीन ही श्लोक को समझेंगे, तीन श्लोकों के अर्थ को समझ लिया हमने, इसको घर में एक बार वीडियो को अच्छी तरह सुन करके इसके अर्थ को जानेंगे, ठीक है। तीन श्लोक आपको अगले दिन पढ़ाए जाएंगे।